कोविड-19 के चलते बीते कुछ सालों से होली समेत तमाम त्योहार फीके नजर आ रहे थे, लेकिन इस बार कोविड-19 का संक्रमण कम होने के चलते बाजारों में रौनक साफ देखने को मिल रही है। बाजार रंग गुलाल और कुछ कार्यों से गुलजार नजर आ रहे हैं। वहीं मिठाइयों की दुकानों पर भी तमाम तरह की मिठाइयां आपका स्वागत कर रही है। ऐसे में बीते कुछ सालों से मंदी की मार झेल रहे मावा कारोबारियों के चेहरों पर भी इस बार मुस्कान देखने को मिल रही है। मावा व्यापारियों का कहना है कि बीते 2-3 सालों की तुलना में इस बार मावे की खपत पिछले सालों की तुलना में कई गुना बढ़ी है। मावा किसान भी दूर दराज क्षेत्रों से आकर मावा मंडी में मावा बेचने आ रहे हैं। नहीं, इस बार का माहौल ऐसा है, एक तो ये फूड विभाग से भी साथ देती है, हम उनको खबर करते हैं कोई खराब होता है तो वो भी साथ देती है, और 3-4 बार वो आए ही हैं यहाँ पर चेकिंग करने। कल भी आए थे, उससे 2 दिन पहले भी आए थे, फिर हम लोग भी मतलब देखते रहते हैं कि कोई गलत नहीं हो, फिर भी थोड़ा बहुत हो जाता है तो हम कोशिश करते हैं कि सही रहे। हमारे यहाँ इधर इधरनगर से, सैया से, गरसान से, इधर राजाखेड़ा से, और नगर के पास में गांव में बहुत सारे वहाँ से आता है। लेकिन इस मावा की खपत भले ही इस बार बढ़ी हो, लेकिन मध्यम वर्ग के लोग पिछले साल की तुलना में कम मावा खरीद रहे हैं। बहुत बढ़िया मावा आ रहा है, गरसान से, फतेहाबाद क्षेत्र से, पिनाट से, सब जगह से आता है। नहीं, वो तो रेट रोज खुलती है, उसमें कोई परेशानी नहीं। व्यापारियों का मानना है कि दूध और मावे की बढ़ती कीमतों के चलते अब मावा महंगा हो गया है। वर्तमान में मावे की कीमतें 250 से लेकर 290 तक है। मावा कारोबारियों का कहना है कि जिन किसानों को अपने मावे को जल्दी बेचना है तो वह कम दामों में बेच कर निकल जाते हैं, लेकिन समय बीतने के साथ मावे के दाम बढ़ जाते हैं। सी न्यूज के लिए अनिल कुमार सिंह की रिपोर्ट।